छाली से, बहुत बढ़िया तरह से। और हमारे को लग रहा है ये लोग 5 मिनट का चैलेंज है, 3-4 मिनट में ही समाप्त कर लेंगे। और चिकन और चावल, अमेजिंग इलाहाबादी यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों को स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर चिकन चावल का चैलेंज लगा हुआ है, तो आज हमारे 3 चैलेंजर इस चिकन चावल के चैलेंज में बैठ भी चुके हैं। तो पहले रोहित जी हैं, खन्ना जी हैं और हैं संदीप जी। तो देखते हैं तीनों चैलेंजरों में सबसे पहले फिनिश कौन कर पाता है, और समय है 5 मिनट का। अगर इन चैलेंजरों में से 5 मिनट से पहले कोई फिनिश कर लेगा तो इनको मिलेगा 1100 रुपये पुरस्कार। तो देखते हैं इन चैलेंजरों में 5 मिनट से पहले कौन फिनिश कर पाता है, और कौन चिकन खा करके जाता है, कौन इनाम की राशि लेकर जाता है। तो देर न करते हुए आप लोग शुरू हो जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ सामने 3 चैलेंजर बैठे हुए हैं। एक पहले का नाम रोहित जी है, दूसरे का नाम खन्ना जी है, मतलब इनको यश के खन्ना कहते हैं, और तीसरे चैलेंजर का नाम है संदीप जी, जो कि हमारे चैलेंज में बैठे हुए हैं। और ये लोग अगर 5 मिनट में जो भी विनर फिनिश कर लेगा उसकी एक प्राइवेट बात आप लोगों को बताई जाएगी, और वो प्राइवेट बात अभी प्राइवेट ही रहेगी, क्योंकि यह महा प्राइवेट बात है। हाँ। तो हम देर न करते हुए आप लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि जो यहाँ पर चैलेंज चल रहा है वो 1100 रुपये धनराशि का चैलेंज चल रहा है, जो कि 5 मिनट का समय दिया गया है। अगर 5 मिनट में तीनों चैलेंजर में जो सबसे पहले खाता है हाँ। वो 1100 रुपये की राशि ले जाता है। और तीसरी आंख हमारी लगी हुई है, अगर खाएंगे तभी चैलेंज में जीत पाएंगे, नहीं तो पता लगा खाने के साथ नीचे प्लेट, इनका प्लेट की व्यवस्था ले कर देते हैं। एक प्लेट ले आ दीजिए पीछे से। तो प्लेट आ रही है, खाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। तो हम चाहेंगे पवन जी टाइमर को थोड़ा सा सिस्टमेटिक ढंग से पकड़े रहें। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख रहे हैं अभी खन्ना जी के प्लेट से चावल तो भगा जा रहा है, लेकिन चिकन मोटा होता जा रहा है। और ये मोटा मोटा कैसे हो रहा है नहीं पता चल रहा है। खन्ना जी का मोटा था, मतलब क्या चाहो, क्या मोटा था, चिकन का पीस मोटा अच्छा, था अच्छा, अच्छा। और सबका छोटा छोटा था मतलब सबका छोटा छोटा है और खन्ना जी का मोटा मोटा है तो मतलब चिकन की बात हो रही है यहाँ पर। हाँ। और खन्ना जी हमारी बातों पर ध्यान ना देते हुए आप अपने टारगेट पर ध्यान दीजिए, और टारगेट पर ध्यान भी दे रहे हैं, और देखते ही देखते खन्ना जी के थाली से बहुत बढ़िया तरह से, और हमारे को लग रहा है ये लोग 5 मिनट का चैलेंज है, 3-4 मिनट में ही समाप्त कर लेंगे। और चिकन और चावल दोनों गायब होता जा रहा है, वो गायब होकर जा रहा है कहाँ वो अभी तो नहीं पता चलेगा, बहुत बढ़िया। जब पता चलेगा तो हम कैमरा नहीं लगाएंगे उस समय, कोशिश करते रहिए। और तीनों चैलेंजर आज महा चैलेंजर बन चुके हैं, और आज इस महा चैलेंजर के साथ महा चैलेंज लगा हुआ है। 3 महाबली इस समय चैलेंज को स्वीकार कर किए हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में भी। ये लोग 1 किलो चिकन चावल में चैलेंज में पार्टिसिपेट किए हैं, इनके जो चैलेंज लगा हुआ है 1 किलो चिकन और चावल का चैलेंज लगा हुआ है, और इस चैलेंज को आगे लेकर चलते हुए खन्ना जी इस समय अपने थाली का चावल समाप्त करते हैं। शाबाश, कोशिश करते रहिए, बहुत बढ़िया। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इस समय संदीप जी भी पहल बहुत तेज, इनकी पहल थोड़ा सा स्लो थी लेकिन एंडिंग बहुत तेज हो रही है, बहुत बढ़िया। अगर सबसे ज्यादा पीछे जाएंगे तो हमको लग रहा है मस्ताना जी जाएंगे, जिनका नाम रोहित मस्ताना है, मतलब मस्ताना के प्लेट में चावल बिल्कुल कुंडली मार के बैठा हुआ है, वो हटने का नाम ही नहीं ले रहा, कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है, बहुत बढ़िया। और मस्ताना जी, रोहित मस्ताना जी आप, और खन्ना जी हमको लग रहा है विनर हो गए यार, 3 मिनट और ये रहा, 5 मिनट के पहले ही खन्ना जी पूरी तरह से शफा चट कर चुके हैं चावल और चिकन, और 3 मिनट 13 सेकंड में बिल्कुल फिनिश कर लिए हैं। और इसी के साथ हम खन्ना जी की एक सीक्रेट बात बताना चाहते हैं, आप लोग अगर खन्ना जी की कॉमेडी वीडियो देखना चाहते हैं तो यश के खन्ना कॉमेडी चैनल को अभी सर्च करें और वीडियो को देखें, एक से एक मज़ेदार कॉमेडी वीडियो आपको दिखाई जाती है इसके खन्ना कॉमेडी चैनल पर। तो खन्ना जी हमारे चैलेंज में विनर हो चुके हैं, अभी इनाम इनको इनाम की राशि भी दे रहे हैं, और रोहित जो है संदीप जी भी आज हमको लग रहा है चैलेंज में विनर हो जाएंगे, हो गए। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं 5 मिनट के पहले संदीप भी जो है पूरी विनर हो गए हैं, तो संदीप जी को भी इनाम की राशि आज दी जाएगी, और देखते हैं रोहित मस्ताना जी आज विनर हो पाते हैं या नहीं।
रोहताना जी के पास कोशिश करते रहिए, टाइम है। और जैसे कि पवन जी ने बताया है कि सबसे पहले विनर हुए हैं तो एसके खन्ना, तो आप लोग यूट्यूब पे जाइएगा, एसके खन्ना कॉमेडी चैनल को सर्च करिएगा और देखिएगा, ये भैया जवान का नहीं लेकिन बुढ़वा का रोल जरूर करते हैं, बहुत तगड़ा रोल, लाठी बहुत बढ़िया हिलाते हैं, लाठी के साथ साथ इनका पैर भी बहुत मस्त हिलता है। और हमारे एक चैलेंजिंग चैनल में आए थे, ठंडा पी के क्या किए थे आप लोग देखिएगा, जरूर वाली वीडियो देख के जरूर एक बार बता दे। और आप लोगों को बताना चाहेंगे कि ये जो किए थे हम लोग बता नहीं रहे, लेकिन आप लोग वीडियो में जाइएगा, लड़ना चाहते हुए मुंह से निकल गया है, आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा, वही खन्ना है जो ठंडा पीकर गन्ना का जूस निकाले थे। बहुत बढ़िया, अब देखते हैं रोहित मस्ताना जी भी थोड़ा सा रह गया, और ये रायन का भी समय समाप्त हो चुका है। क्या बात मस्ताना जी, इतने सर कैसे रह गए आज? नहीं, चिकन तो समाप्त हो चुका है, ग्रेवी से बचा हुआ है तो ये भी विनर की श्रेणी में आ सकते हैं। और नहीं, टाइम कहाँ रह गया जो लेकिन अब श्रेणी में नहीं है, अगर गए तो चला 10-15 सेकंड लेट हो गए रोहित जी। और संदीप जी और खन्ना जी ने पूरा हौसला दिखाया और इस चैलेंज को बिल्कुल टाइम के अंदर बिजनेस कर लिया है, तो संदीप जी खन्ना जी को अभी इनाम की राशि दे रहे हैं। रोहित जी थोड़े से टाइम से रह गए हैं तो रोहित जी को इनाम की राशि से बाहर कर दे रहे हैं, तो इन हाथ धो लीजिए आप लोग और इनाम की राशि ले लीजिए। अभी 5 मिनट का चैलेंज था लेकिन ये लोग 5 मिनट का चैलेंज, 5 मिनट मतलब प्लेट को चिकन चावल को कंट्रोल नहीं कर पाए कि 5 मिनट तक हमारे सामने पड़ा रहे, उससे पहले ही खन्ना जी फिनिश कर दिए, तो खन्ना जी को पहले इनाम की राशि दे रहे हैं। और आप लोगों को साथ साथ बता दे रहे हैं कि खन्ना जी जब भी आते हैं हमारे चैलेंज में ये विनर होकर ही जाते हैं, तो आज भी आए हैं, विनर हो गए हैं, तो खन्ना जी को इनाम की राशि दे रहे हैं। और आप लोग जैसे ये इनाम की राशि पा रहे हैं इसी तरह से आप लोग भी इनको इनाम दीजिए और एसके खन्ना कॉमेडी चैनल को आगे बढ़ाइए और खन्ना जी को 1100 राशि मिल रही है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इस समय खन्ना जी इनाम की राशि पाकर बहुत खुश हैं और दिखा रहे हैं नोट, तो जैसे कि पवन जी बताए हैं कि जब भी खन्ना जी आते हैं तो बिना जीते हुए नहीं जाते हैं, चाहे जो कर जाएं लेकिन जीते ही जरूर, जीतने के बाद चाहे जो करें। तो यहाँ पर खन्ना जी जो है मुस्कुराने लगे कि जान गए कि हमें क्या कह रहे हैं। तो खन्ना जी ये चैलेंज और इस चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, और चैलेंज इतना जबरदस्त भाई साहब का चलता है कि हम दिल से खुश हैं, और सभी दर्शक भाइयों से और चैलेंजरों से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग ऐसे भी चैलेंज में आकर के भाग लें और इस चैनल को बहुत से ज्यादा आगे बढ़ाएं और देखें। और आप लोगों से भी निवेदन है, आप लोग चैलेंज लेना चाहते हैं तो अमेजिंग इलाहाबादी चैनल से संपर्क करें और चैलेंज में पार्टिसिपेट करें और इनाम की राशि आप लोग भी लेकर जाएं। तो इसी के साथ जो संदीप जी हैं S3 कॉमेडी के चैनल इनका है, और ये भी संदीप जी भी आज पार्टिसिपेट किए और चैलेंज में खन्ना जी से जीत तो नहीं पाए लेकिन फिर भी चैलेंज में जो समय था उस हिसाब से जीत गए हैं, तो संदीप जी को भी इनाम की राशि मिल रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इस समय संदीप जो कि खन्ना के एकदम जस्ट बगल बैठे हुए हैं, खन्ना से थोड़ा सा समय में कम मतलब ज़्यादा समय लगाए थे और लेकिन 5 मिनट के अंदर ही पूरा किए हैं, और इनको भी इनाम की राशि मिली है। तो हम चाहेंगे कि एक बार इनाम की राशि दिखा दीजिए, और ये देखिए इनाम की राशि 1100 रुपये इनको मिल चुकी है। तो हम सभी दर्शकों से कहना चाहेंगे कि S3 कॉमेडी को प्यार और दुलार दीजिए, और जिस तरह सभी चैनलों पर आप अपना प्यार बरसाते हैं ठीक उसी तरह S3 कॉमेडी और SK खन्ना चैनल पर भी अपना प्यार बरसाइए। और रोहित जी आए और थोड़े से सेकंड से चूक गए, सेकंड से क्या थोड़ी ग्रेवी से चूक गए, अगर चावल होता तो ग्रेवी भी खा जाते। तो संदीप जो रोहित मस्ताना जी हैं थोड़ा सा चूक गए हैं लेकिन फिर भी इनको कुछ ना कुछ राशि दे रहे हैं इनाम की राशि न दे करके, इनाम की राशि पाते रहेंगे। थोड़ा सा हम रोहित जी के बारे में कहना चाहेंगे कि आप लोग अगर इन दोनों चैनलों को देखेंगे तो इनका रोल काकी के रूप में आप देखेंगे, बहुत तगड़ी काकी का रोल करते हैं, इनको छटंका काकी के नाम से जाना जाता है। आप लोग छटंका काकी को भी प्यार दुलार दीजिए, और आज रोहित जी हमारे चैलेंज में आए थोड़े से सेकंड से चूक गए हैं, और अगली बार आएंगे पूरी हिम्मत दिखाएंगे। और रोहित जी का धन्यवाद करते हैं और इस चैलेंज को यहीं से समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।